मेरा विनम्र अनुरोध मुनिश्री विशेषकर आज प्रथम बार ऑडिटोरियम में बजा रहे हैं आपके लिए। मेरा मुनिश्री से करबद्ध निवेदन प्रेरणा पाथे सिद्धिं मम दिशन्त सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्त। आराध्य देव की चरणों में बने अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरणों में उपस्थित उपासकगण एवं धर्मानुरागी बहनों और भाइयों, जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई पधारे थे तब इसी ऑडिटोरियम में अनेक कार्यक्रम हुए थे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन यही हुआ था और उस समय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आए थे उनका भी वक्तव्य यहाँ हुआ था। समय में भी हम यहीं थे तो अभिजीत मुनि ने कहा पहली बार पधारे हैं तो इस यात्रा में पहली बार। उपासक श्रेणी जब प्रारंभ हुई तब ये कल्पना नहीं थी कि हमारे श्रावक गण इस प्रकार से उपासक श्रेणी में इतनी बड़ी संख्या में वे सम्मिलित होंगे अपनी योग्यता के द्वारा। इतना ही नहीं लेकिन धर्म संघ के एक बहुत बड़े दायित्व को भी वे निभाएंगे क्षेत्रों में जहाँ चारित्र आत्माओं का चातुर्मास या पदार्पण नहीं हो सकता है वहाँ पर उपासक लोग गुरुदेव की इंगित दृष्टि प्राप्त करके पहुँचते हैं विशेष करके पर्युषण में और वहाँ के लोगों को यह धर्माराधना का पूर्व अवसर मिलता है। तो इसके आधार पर ये लगता है कि श्रावक समाज बहुत सजग है। गुरु दृष्टि गुरुदेव तुलसी ने पता नहीं कितने कितने स्वप्न देखे थे। कहा जाता है कि वो दिन में भी सपने देखते थे। दिन के स्वप्न के मतलब उनकी इतनी कल्पनाएं होती थी उनके मस्तिष्क में उर्वर मस्तिष्क था। ऐसी कल्पना करते थे जो कोई दूसरा कर नहीं सकता। प्रारंभ में अनुव्रत आंदोलन जब शुरू हुआ तब लोगों की ये कल्पना नहीं थी कि ये आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा। जो दूसरे विरोधी थे या कुछ ऐसे थे वो कहेंगे क्या अनुव्रत कोई आंदोलन होता है, कोई अनुव्रत क्या होता है। इतनी उन्होंने जो है उसकी आलोचना समझिए या जो भी। लेकिन गुरुदेव ने जब आंदोलन शुरू किया और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व तक इसकी आवाज गूंज रही है। मुझे कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे अनुव्रत के प्रतिनिधि अनुव्रत विश्व भारती की ओर से आमंत्रित जहां महासभा का अधिवेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का और जहां पूरे विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या प्रतिनिधि होते हैं उसमें उनका वक्तव्य रखा गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि कैसी कल्पना या कैसा स्वप्न गुरुदेव ने देखा होगा और कहां तक यह पहुंच गया। अब हमें यह सोचना है कि यह उपासक श्रेणी जो है उसको हम
संख्या की दृष्टि से तो आगे बढ़े ही, क्योंकि अपने क्षेत्र ही इतने हैं कि जैसे भी बताया कि 200 भेजेंगे, क्षेत्रों की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है, 500 से ऊपर होगी, तो 200 से 500 तक कैसे जाएंगे? ये एक चुनौती है कि श्रावक समाज और उपासक कोई खाली बिल्ला लगाने से नहीं हो जाता है, पदाधिकारी तो बन सकते हैं। उपासक के लिए पहले अध्ययन करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह आत्मसात करना पड़ेगा, और फिर अपने जीवन में भी वो उपासक के गुण प्रतिबिंबित होंगे, तब लोग कहेंगे हाँ ये उपासक। तो हमें आज इस बात पर ध्यान देना होगा, उपासक और उपासिका दोनों अगर हमारे दर्शंगे संख्या की दृष्टि से भी बहुत अधिक अपेक्षा है, लोगों में उत्साह जगे कि हम जल्दी से जल्दी उपासक बने, उसकी योग्यता प्राप्त करें, उसका प्रशिक्षण करें, उसका परीक्षण करें लें, और धर्म संघ का ये जो बड़ा काम है क्षेत्रों की सार संभाल का, जहाँ सब साधु साध्वी नहीं जा सकते, वहाँ पर पहुँचकर हमारे जो धार्मिक परिवार रहते हैं उनकी जो अगली पीढ़ी है वहाँ तक भी यह हमारा धर्म संघ का संदेश, आचार्य भिक्षु की जो मूल समझ वो हम जन जन तक पहुँचाए। तो इसलिए आज इस उपासकों के की कार्यशाला में मैं यही चाहूँगा कि जो हैं उपासक वे भी अपनी गुणवत्ता को और आगे बढ़ाते जाएं। स्वाध्याय एक उसका बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है, अपना स्वाध्याय का क्रम वे निरंतर जारी रखें, चालू रखें, और विशेष करके उपासक अगर आगमों का अध्ययन कर लेते हैं, आगम वांग्मय जो है उसको भी अच्छी तरह से जितना गहन जा करके समझ सके, उत्तराधीन आदि जो आगम है वो सरल भी है और रोचक भी है, उनको अच्छी तरह समझेंगे और उसी के आधार पर आप जब उपासक बन करके व्याख्यान आदि करेंगे आपको भी आनंद आएगा और जो श्रोता है उनको भी बड़ी अच्छी खुराक मिलेगी। तो एक तो ये ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना है, दूसरा ध्यान, स्वाध्याय के साथ ध्यान, प्रेक्षा ध्यान है, अनुप्रेक्षा है, प्रयोग है, उन्हें भी आप अपने जीवन में करते जाइए और उससे लाभान्वित स्वयं भी हो और फिर दूसरों को भी कराने का जब अवसर आए, जो करने वाला उपासक होता है वो अच्छा करा सकता है, केवल रटा हुआ कराएगा, खुद अगर नहीं करता है या खुद के जीवन में उसका कोई नहीं है प्रभाव तो उसका असर कम होता है। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय, इन सब चीजों में, सब क्षेत्रों में हमारे उपासक आगे बढ़ते जाएं, ये बहुत जरूरी है। और हम जैसे देखते हैं, अपेक्षा है, ऐसे ही चाहते हैं कि अगर श्रावक गण में ऐसे जो लोग हैं जो अपनी घर की जो जिम्मेवारियां परिवार की उससे कैसे जल्दी मुक्त हो सके, अपना ऐसा नियोजन करें कि धीरे धीरे अपने सांसारिक कार्यों को वो कम करते जाएं और फिर उपासक श्रेणी में जुड़ करके उसके लिए योग्यता प्राप्त करके और धर्म संघ को उठा। तो ये बात मैं सबके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये कर्तव्य होना चाहिए हर एक तेरापंथी व्यक्ति का जो इसके लिए सक्षम है और प्रयत्न के द्वारा सक्षम बन सकता है। ये मन में तो कम से कम ये संकल्प रखे कि अब हमारी आयु 60-70 हो चुकी है, जो भी उपासक की श्रेणी का जो समय का है वह का उसके अनुरूप वे सब कामों से निवृत्त होकर के इस श्रेणी में आकर के धर्म संघ को अपनी सेवाएं देंगे तो हमारा धर्म संघ बहुत और आगे बढ़ सकेगा। विशेष करके तत्व ज्ञान की रुचि भी उपासकों में
होनी चाहिए। तत्व ज्ञान बहुत गहरा विषय है। तत्व ज्ञान में जो आगे बढ़ेंगे वे जहां जाएंगे वहां लोगों को और अधिक अच्छी तरह हमारे जैन तत्व का विश्लेषण करने में वे पारंगत होंगे, प्रभावित करेंगे, और स्वयं तत्वज्ञानी नहीं होंगे तो उन्हें भी बोलने में संकोच होगा। तो तत्वज्ञान की जो दिशा है उसमें आगे बढ़ना है, और मैं आशा करता हूँ आचार्य महाश्रवण जी की जो अपनी एक रुचि है, शुरू से ही जब से वे दीक्षित हुए उससे पहले भी उन्होंने जो थोकड़े याद करने होते थे वो सारे कर लिए थे, और फिर दीक्षा के पश्चात मंत्री मुनि के साथ भी एक संत और थे, मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास वाले। उन्होंने ये मुदित मुनि जो महाश्रमण उनको तत्वज्ञान की दृष्टि से तैयार किया। सोहनलाल जी स्वामी ने बहुत मेहनत की और जब बचपन में ही उनको सब तत्वज्ञान का बहुत अच्छा कराया। आज हम देख रहे हैं कि आचार्य महाश्रमण जी स्वयं तत्व के पारंगत हैं, उनकी रुचि है और वे चाहते हैं कि तत्व की दिशा में, ज्ञान तत्व ज्ञान की दिशा में हमारे सब लोग, विशेष करके उपासकों को मैं कहना चाहूँगा, वे पूरी कोशिश करें तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाने की और आगे बढ़े। तो इसी आशा के साथ बम्बई के बारे में बताया अभी सोहनलाल जी कोठारी ने, ये तो बहुत बड़ी बात है। बम्बई महानगर तो है लेकिन उपासकों में भी इतनी अच्छी संख्या बम्बई में है, और आगे बढ़ना है। तो हम क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि 2023 जब आचार्य श्री महाश्रवण जी का चतुर्मास या होने वाला है उस समय तक अभी जो बम्बई में उपासक की संख्या कितनी है, 145, तो क्या 2023 तक 200 हो सकती है? असंभव नहीं है। तो इसीलिए अगर असंभव नहीं लगता है तो उपासक हैं वो तो हैं, जो नहीं है श्रावक श्राविकाएं वो उपासक बनने की दृष्टि से अपने आप को तैयार करें। मन में तो संकल्प करें कि 2023 तक मैं यथासंभव आगे में सम्मिलित हो जाऊं। तो एक बहुत बड़ी भेंट होगी बम्बई की 2023 में जब गुरुदेव महाश्रमण जी पधारेंगे, हम कह सकते हैं कि देखो बम्बई की ओर से ये 200 उपासकों की जो पूरी ये सेना है आपको समर्पित करता है बम्बई। तो इसी आशा के साथ लंबा में नहीं कह, आज पूरा दिन कार्यशाला है उसमें चलता रहेगा कार्यक्रम। आज दूसरा कार्यक्रम जो है कार्यशाला वो जनरेशन गैप के बारे में, ये एक आज के युग की समस्या। जनरेशन गैप में हर युग में होता है लेकिन आज जो है वो इसलिए है कि नई जनरेशन जो आती है उसमें और पुरानी जनरेशन में गैप बहुत हो जाता है। अनेक दृष्टियों से आज का जो बच्चा है, अनेक प्रकार से जो आज के साधन सामग्री है, वैज्ञानिक जो आगे जो विकास है, इन सब का लाभ उनको मिलता है। इस कारण से दादा और पोता जो होता है उसमें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जो बात पोता जानता है वो दादा जानता ही नहीं, तो दादा को पोते की हेल्प लेनी पड़ती। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जनरेशन गैप होने के पहले ही अगर तीनों पीढ़ियां एक साथ इस बात की कोशिश में रहे, विशेष करके जो दादा है वो अपने बेटे को और बाप है वो अपने बेटे को, इस प्रकार से तीनों पीढ़ी धार्मिक संस्कारों को, देखो ज्ञानशाला का उपक्रम अपना चलता है लेकिन ज्ञानशाला में यह एक है कि जो ज्ञानशाला पूरी हो जाती है 14-15-16 साल के बाद में, वो जो बच्चे हैं उन्हें जो ज्ञानशाला में मिला है उसको बराबर पक्का रखना और आगे बढ़ाना, ये काम अगर ये
पीढ़ी जो करती है दादा बाप मिलकर के बेटे को 15 साल के बाद में यानशाला का संपर्क छूट जाता है तो फिर वो संस्कार कैसे रहेंगे। वो अगर धार्मिक संस्कारों को और हमारी परंपरागत जो अच्छी बातें हैं जो अच्छे रिवाज है जो अच्छी जो श्रृंखला चल रही है उसको चालू रखें उनको बताएं उन्हें बराबर प्रेरित करें तो वे बच्चे आज की जो ये नई पीढ़ी है उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो आज के इस विषय पर भी जो कार्यशाला होगी जनरेशन गैप पर उसमें इस बात को महत्व देना है कि यदि तीनों जनरेशन अपने आप में एक दूसरे के साथ में इस दिशा में साथ साथ चलती है तो उसके द्वारा हम एक आमूलचूल परिवर्तन समाज में कर सकते हैं। तो ये काम हमें करना है इसलिए इसी आशा के साथ कि इसमें भी 2023 तक जब गुरुदेव पधारे तब तक हम ये जो यंगर जनरेशन आज जो 15 साल की है वो 4 साल बाद 20 साल के आसपास आ जाएगी उस जनरेशन को 15 से 25 के बीच में जो ये जनरेशन है उसको अगर हम धर्म के संस्कार ज्ञान और धर्म की रुचि होना बहुत जरूरी है। आप जबरदस्ती थोपोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। रुचि पैदा करना और आज हमारे पास इतने साधन हैं आप थोड़ा सा उनको विज्ञान के माध्यम से जैन धर्म को बताएं इतने प्रभावित हो जाएंगे वे कि वे पूछेंगे आपको दादा को दादा और मुझे बताओ। और इसीलिए दादा को और बाप को पिता को विज्ञान की दृष्टि से जैन दर्शन को प्रस्तुत कैसे करना विज्ञान की वे बातें जो आज वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय उनको उस रूप में देना वो अगर आप कर सकते हैं तो मुझे आशा है कि सभी लोग आगे इस समय बढ़ सकेंगे। तो इस आशा के साथ आज ये दो कार्यशाला यहाँ है और बाकी ज्ञानशाला वाला कार्यक्रम नीचे चलेगा और दोपहर में प्रशिक्षक का कार्यक्रम है प्रेक्षा ज्ञान का वो भी चलेगा। तो आज के चलने वाले सारे कार्यक्रमों के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं मेरी बात